हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे ये फेस में जो खुशी है ना वो आप लोगों को बता रही रहेगी कि कुछ तो स्पेशल बात है। तो स्पेशल बात ये है कि अपना केदारनाथ का डेटा रिकवर होके आ गया है और इतना बढ़िया लग रहा है कि आप लोगों तक केदार बाबा के दर्शन पहुँचाने वाला हूँ। तो कैसे रहता है ना कि इंसान इतना लालची रहता है ना कि जब तक वो डेटा नहीं आ रहा था ना तो मैं बोल रहा था यार कुछ तो डेटा आ जाए। और जैसे कल अपने को डेटा आ गया ना उसके बाद मैंने सब देखा तो बोला अरे ये भी आना चाहिए था क्योंकि पूरा डेटा तो रिकवर होना बहुत मुश्किल है। बट जो डेटा आया ना उसमें यार सीरीज अपनी बहुत प्यारी आगे होने वाली है। और ये पूरा सब क्रेडिट है ना अपना एक दोस्त है प्रकाश करके, उसको जाता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है ये डेटा मुझे रिकवर करके देने के लिए। क्योंकि ऐसे आप जाएंगे ना डेटा रिकवर करने के लिए तो उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अपना तो दोस्त ने एकदम सस्ते में अपने को निपटा डाला है। तो थैंक यू प्रकाश, तू मेरा ब्लॉग तो देखता ही है तो तेरे पास मेरे फीलिंग्स पहुँच गए हैं। तो अब तक की कहानी अपनी ऋषिकेश तक पहुँची थी इस केदारनाथ सीरीज में, तो आज अपनी कहानी केदारनाथ पहुँचेगी ऋषिकेश से। बहुत ही प्यारी राइड रहने वाली है और बहुत ही बढ़िया राइड रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, क्या तू तैयार है? यार बिल्कुल पूरी तरह फुल पावर। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो ऋषिकेश को अलविदा बोलने का वक्त आ गया है और आज से है ना शुरू होगी अपनी असली राइड, असली तगड़ी एडवेंचर वाली राइड। क्योंकि आज से पहाड़ों में चढ़ाई शुरू होने वाली है ऋषिकेश से केदारनाथ का सफर। तो अभी सुबह के घड़ी नहीं पहनी लेकिन मुझे टाइम पता है, सुबह के बज रहे हैं 5। अभी आधे घंटे में मात्र बाइक लोड कर लेते और निकल लेते हैं ट्रैफिक होने के पहले, क्योंकि ऋषिकेश में है ना तगड़ा ट्रैफिक है फिलहाल के लिए। तो फटाफट निकल लेते और पूरा फुल पावर बाय फुल पावर। तो पूरा अपडेट है ना केदारनाथ का वो आप लोगों को बाइक पे बैठने के बाद देता हूँ क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो दोनों बाइक फुल्ली लोडेड फुल्ली सेट है और ऋषिकेश की गलियों को बाय बाय। तो यहाँ से सोनप्रयाग जहाँ तक गाड़ी जाती है वो है 220 किलोमीटर। अभी यहाँ से निकलेंगे और सोनप्रयाग या उसके पहले कहीं पे स्टे देखना पड़ेगा। तो आगे की कहानी तो राइड पे आपको जैसे राइड शुरू होगी आगे आगे बताते जाऊँगा, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगे कि अगर आपको केदारनाथ राइड या केदारनाथ प्लान करना है तो कैसे करना है, सब डिटेल्स डिटेल में मिलेंगे। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ गणपति बप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या गजानना। तो ऋषिकेश की गलियों को फिलहाल के लिए बाय-बाय। बहुत ही प्यारा था, मज़ा आ गया और अपना स्टे भी बहुत अच्छा था। रिवर के मस्त बाजू में गंगा मैया बह रही थी और वहाँ पे हम लोग बैठ के मस्त चाय एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अपनी मंजिल है ना फिलहाल के लिए ये राइड के लिए कुछ और है, केदारनाथ है। इसके लिए यहाँ पे कम वक्त रुके हैं बट कभी आएंगे, अच्छा सा वक्त बिताने आएंगे कभी। तो फिलहाल के लिए माहौल पूरा क्लियर है लेकिन आगे जाके पता नहीं, धूप भी मिल सकती है, बारिश भी मिल सकती है और बर्फ भी मिल सकती है। जो रहेगा वो भैया आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। अपने दोस्त लोग अपने यार लोग मस्त घूमने को निकले सुबह सुबह और अभी असली राइड पे मज़ा है क्योंकि ये पहाड़, ये नदियाँ और ये पतला रास्ता जो जाने वाला है ना उस पर राइड करने में काफ़ी बढ़िया लगने वाला है, मज़ा आने वाला है मेरे को भी और आप लोगों को भी क्योंकि असली नज़ारे अभी शुरू होने वाले हैं। श्रीनगर, यहाँ पे भी एक श्रीनगर है उत्तराखंड में, मैंने कल ही चेक किया था जब रूट चेक कर रहा था। एक अपना कश्मीर वाला श्रीनगर है और एक उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। तो अगर आपको केदारनाथ जाना है ना तो पहले तो ऑनलाइन जाके उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो हम लोग ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को ताकि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो केदारनाथ तो आप लोग को इजी हो जाएगा। वो लिंक में फॉलो कीजिए, वो लिंक को फॉलो कीजिए, थोड़े डिटेल्स भरने हैं उसमें
बस रजिस्ट्रेशन डन। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ना आपको सारे डिटेल्स मिलते जाएंगे। धूप बहुत तेज है, आंखों पे मार रही है, उसमें पहाड़ी इलाका है, मेरी तो एक आंख बंद ही हो गई, वो धूप इतनी तेज है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो ऋषिकेश के लोकल थे ना, वो बता रहे थे कि रास्ता 100 किलोमीटर तक तो बहुत ही प्यारा है, उसके बाद थोड़ा शायद से खराब मिल सकता है, लेकिन 100-120 किलोमीटर मक्खन वाला रास्ता है, आपको बहुत मजा आएगा राइड करने में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऊपर केदारनाथ में ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो तो हम लोग को पता था मुंबई से निकलते वक्त ही देख लिया था, आजकल सोशल मीडिया सब कुछ बता देता है, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये सारी गाड़ियाँ भी है ना, ये सब ज़्यादा करके केदारनाथ ही जा रही है, तो इसके लिए आप जब भी आ रहे हैं तो बराबर से प्लान करके आना, ऐसे ही नहीं निकलना। लद्दाख राइड ये साल की कैंसिल होने के बाद लगा नहीं था कि पहाड़ों में आने का मौका मिलेगा, बट यार भोलेनाथ ने बुला लिया आपने को। बम बम बोले जय श्री केदार। श्रीनगर 69, गौरीकुंड केदारनाथ 178, बद्रीनाथ 263। राइड करने को जो मजा आ रही है ना, क्या ही बताऊं आपको, मस्त ऐसे 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 रास्ते हैं, पहाड़ है, माहौल मस्त में हल्का हल्का ठंडा है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, बट राइड करने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब गूगल मैप से भी देखेंगे तो रास्ता देखिए कैसे है, पूरा ड्राइंग 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 करके जा रहा है। माहौल ठंडा ठंडा है ना, तब तक यार मस्त में सुबह की चाय एंजॉय करते हैं, क्योंकि चाय पीनी है, ऐसे नहीं हो जाए कि यार नींद आना चालू हो जाए, उसके पहले रुक के बस थोड़ा व्यू वाला देखेंगे, अगर वो मिला तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, चाय एंजॉय कर लेते। क्या बोलता है भाई, कैसे था अब तक की राइड, कैसे थी? बीच में बीच में वो पत्थर गिरे रहते, डर लगता है ना एक लेवल पे। तो क्या हुआ पता है, मैं से जा रहा हूँ और ऐसे ऊपर से इतना बड़ा पत्थर आया गाड़ी के आगे आया, मतलब ये क्या, ये ट्रक चलती है ना उसके वाइब्रेशन से कभी भी गिरते नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है वो। 40-50 किलोमीटर कवर कर लिया आपने, तो यहाँ पे बन रही अपनी चाय, पहाड़ों में आके चाय और मैगी एंजॉय करेंगे। पहाड़ों में आके ना चाय की एक अलग ही नशा हो जाती है, एक अलग मजा आ जाता है चाय पीने में जब आप पहाड़ों में रहते हो। तो यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब करने का काम चालू है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का काम चालू है, मेहनत चालू है। क्या बोलते हो भाई लोग, कैसे हो? बढ़िया एकदम। इधर ही रहते हो आप आसपास में? कहाँ से कहाँ से? बिजनौर से आए हुए है। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। तो चाय ब्रेक के बाद शुरू करते हैं अपनी केदारनाथ राइड, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाइक चल रही है ना, तभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है क्योंकि पहाड़ों में अब अभी तो थोड़ा हल्का हल्का ठंडा आते रहता है मस्त में। मैंने जैकेट के वेंट्स भी सारे ओपन रखे हैं, तो ठंडी ठंडी हवा अंदर घुसते रहेगी, बट रुकेंगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाती है। और अभी हम लोग जहाँ चाय पीने के लिए रुके थे ना, वो जगह का नाम था कोडियाला, और यहाँ पे काफ़ी शॉप्स है कोडियाला में जहाँ पे आप रुक सकते हैं, मैगी चाय सब कर सकते हैं। तो हमने चाय भी पी और मैगी भी खाई, अभी दोनों चीज़ करके सफर केदारनाथ की तरफ। पे एक मंदिर है, पहाड़ों में आप कभी भी रहते हो ना, गाड़ी चलाते आपको मंदिर तो दिखेगा ही। तो ये वाले पहाड़ है ना, इनका हम लोग को टेंशन है क्योंकि ये तोड़े हुए पहाड़ है, तो पत्थर है ना गिरते रहते हैं, जिसके वजह से दिक्कत आ सकती है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम आदमियों ने ही रास्ते बनाने के लिए इन पहाड़ों को काटा है, तो उनके जो पत्थर है ना वो लूज हो गए अभी, तो बारिश वारिश गिरती है, माहौल खराब होता है, उसके वजह से लैंडस्लाइड होता है। तो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। इसके लिए हम हमेशा कहते हैं, जो तुम नेचर के साथ करोगे नेचर तुम्हारे साथ करेगा, जो तुम नेचर को दोगे नेचर वही चीज़ वापस तुमको देगा। ये देखो, अब ये सब पत्थर नीचे आए हुए हैं, ये बड़ा वाला पत्थर देखिए, ये अगर रास्ते पे आ गया
तो भाई निपट गए। तो खूबसूरत सा सफर केदारनाथ की तरफ शुरू है, बट सोचा यार सिर्फ आप लोगों को रोड दिखा के कुछ मतलब नहीं है, खूबसूरत सी वादियां दिखाना बनता है उत्तराखंड की, तो मस्त पीछे पहाड़ है तो सोचा कि रुकते हैं और आप लोगों को खूबसूरत सी वादियां दिखाते हैं। बस यार ऐसा कोई अपने को घर मांगता है पहाड़ों पे, जो सुकून वाली जिंदगी जिएंगे हम अगर ऐसा घर बन जाए ना, बस आपका प्यार आपका आशीर्वाद चाहिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो जल्दी ऐसे पहाड़ों में कहीं अपना भी घर होगा। भाई वो देखना यार कैसे पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, क्या लग रहा है यार? सुपर्ब यार माहौल बन रहा है यार, क्या नजारा है। मतलब बात ऐसी है ना कि हम लोग को एक्चुअली ना ऊपर जल्दी पहुंचना है, बट यार ये नजारा है ना, ये पहाड़ है ना, ऐसे लगता है देखते ही रहे, मन भर नहीं रहा है हमारा। ओ भाई साहब यहाँ पे लग गया थोड़ा जाम, यहाँ पे सारे बसेस खड़े हैं जो कि यहाँ से ऋषिकेश, यहाँ से हरिद्वार और यहाँ से केदारनाथ लेके जाते हैं लोगों को। तो ये कोई बस स्टैंड है इसके लिए थोड़ा ट्रैफिक है, बट निकल लेंगे। ट्रैफिक तो ज़्यादा दिखा रहा नहीं है गूगल मैप्स अपने को, लेकिन यार ये ट्रिप पे ये राइड पे स्पेशली गूगल मैप्स पे थोड़ा भरोसा करना मेरे को मुश्किल हो रहा है। कभी कभी ना पूरा गोल गोल घुमाते रहता है और मंजिल कहीं और ही रहती है। गूगल मैप साहब ऐसा आप करोगे तो कैसे चलेगा? ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, बम बम बोले, आ हा 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 हा। तो अभी एंट्री हो गई है देवप्रयाग में, और क्या हो रहा है मालूम है, जब रास्ता उतर रहा है ना तो उतरने के बाद काफ़ी गर्मी होती है, जब पहाड़ों पे है ना तो मस्त थोड़ा हल्का हल्का ठंडा लगता है, बट पहाड़ उतरते और दूसरा पहाड़ चढ़ने के पहले हल्की हल्की गर्मी हो रही है क्योंकि अभी धूप थोड़ी तेज़ है। केदारनाथ 143 किलोमीटर, जोशीमठ 184 किलोमीटर, बद्रीनाथ 227 किलोमीटर। पेट्रोल पंप्स है, अभी तक हम लोग को 3 पेट्रोल पंप लग चुके हैं, एक वो नायरा का लगा था, एक इंडियन ऑयल का और एक एचपी का। अभी आगे मुझे पता नहीं है, पेट्रोल पंप्स के अपडेट्स भी दे दूंगा आप लोगों को, फिलहाल हम लोग नहीं भर रहे क्योंकि ऋषिकेश एंटर करने के पहले ही ना हम लोग ने फुल कर दिया था। तो अभी है 450 का रेंज दिखा रहा है, तो अभी फिलहाल नहीं भरेंगे, बट आधे टैंक तक पहुंच जाएगा ना और पेट्रोल पंप दिखा तो आप लोग फुल करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। तो फिलहाल 140 किलोमीटर पहले ऋषिकेश टू केदारनाथ के रास्ते पे हम लोग को लगे हैं 3 पेट्रोल पंप। कैसे आप लोगों को ये जानकारी भी रहनी चाहिए ना, तो आप लोगों को भी पता चलेगा अगर कभी प्रॉब्लम हो गया जो गाड़ी में आ रहे हैं बाइक पर आ रहे हैं, तो भाई कि पेट्रोल पंप ऐसे ऐसे लोकेशंस पे है। अभी है ना अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग में ना दो नदियों का संगम होता है, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होके गंगा नदी बहती है यहाँ से, तो आपको संगम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम, जिसमें से अपनी पवित्र गंगा नदी बहती है, और ये है देवप्रयाग का नज़ारा। चलो तो अब जब केदारनाथ जाते हो ना तो यहाँ पे रुकना बनता है अगर आप रह रहे नहीं हो यहाँ पे, बट 5 मिनट के लिए रुक के संगम देख के जरूर जाना, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। देवप्रयाग था ये, अभी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ केदारनाथ की तरफ। श्रीनगर और 15 किलोमीटर है उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, और एक पेट्रोल पंप। तो टूवर्ड्स केदारनाथ जाते वक्त श्रीनगर के 15 किलोमीटर पहले और एक एचपी का पेट्रोल पंप है। गोप्रो इतना परेशान कर रहा है ना, बार बार हैंग हो रहा है, थोड़ा भी हीट लग रहा है ना गर्म होके हैंग होते जा रहा है, तो मुझे कंटिन्यूसली चेक करना पड़ता है कि गोप्रो चालू की नहीं, क्योंकि नज़ारे मिस नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल के लिए गोप्रो हैंग हो गया था,
अभी उसका बैटरी चेंज किया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये GoPro पे है। मेरे भाई प्लीज़ हैंग मत हो यार, पब्लिक को मुझे नज़ारे दिखाने हैं प्यारे प्यारे, अभी तो असली राइड शुरू हुई है, उस पर तू हैंग होते रहेगा तो कैसे चलेगा, प्लीज़। हाँ ओ मेरे भाई, राइड कैसे चालू है? ये तो बढ़िया नज़ारे एंजॉय कर रहा है, माहौल बन रहा है। एक्चुअली शायद ऐसा भी रहेगा कि हीट इतनी है ना कि GoPro ज़्यादा हीट हो रहा है, इसकी वजह से फिर उसको मैं स्टार्ट करता हूँ ना तो वो हैंग हो जाता है, उसके बाद मैं जब उसको बैटरी निकाल के वापस डालता हूँ ना तो फाइल रिपेयरिंग आता है, और फिर वो फाइल रिपेयर होके फिर ठीक हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है, भले हम पहाड़ों में है धूप काफ़ी तेज़ है। तो ये हम पहुँच गए श्रीनगर, तो ये काफ़ी बड़ी सिटी है, तो आप लोगों को अगर कुछ भी ज़रूरत वाली चीज़ें चाहिए रहेगी ऊपर जाने के लिए तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे ATMs भी है, पैसे भी निकाल लीजिए। ये देखिए HDFC बैंक का ATM है, यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊपर है ना आपको कैश लगेगी, क्योंकि ऊपर नेटवर्क इतना नहीं है तो दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। पेट्रोल पम्प भी है, यहाँ पर पेट्रोल भर लीजिए। आगे पहाड़ों में पता नहीं क्या रहेगा कैसे रहेगा, अभी हम जाएंगे आगे तो पता चलेगा। रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर, करण प्रयाग 58 किलोमीटर, बद्रीनाथ 186 किलोमीटर। तो मात्र 5 मिनट का ब्रेक धारी देवी टेंपल देखने के लिए, धारी देवी माता का दर्शन लेने के लिए। अंदर मंदिर में तो जा नहीं सकते क्योंकि गेयर्स में जूते पहने हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ये जो धारी देवी टेंपल है ना, ये अलकनंदा रिवर पे विराजमान है देवी। अलकनंदा नदी है ना, उस पर गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट चालू था, और वो देवी का मंदिर है ना ऐसे नदी के बीचों बीच है, तो दिक्कत आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मंदिर को ऊपर लेके आए, तो उसके पहले देवी की मूर्ति थी ना वो ऊपर लेके आए, और जो हफ्ते में वो किया ना उन्होंने, वही हफ्ते में केदारनाथ में आपदा आ गई थी, मतलब फ्लड सी मान के चलो। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं ये गलत हो जाएगा, और वापस मूर्ति अंदर मंदिर में ला के रख दी, और मंदिर वहाँ के वहाँ ही है। तो ये था धारी देवी का मंदिर, जो कि श्रीनगर से आगे आएंगे ना आप टूवर्ड्स बद्रीनाथ केदारनाथ, मात्र 5 से 6 किलोमीटर पे है। तो ये एक पॉइंट है देवप्रयाग के बाद जहाँ पे आप रुकना चाहिए, नीचे भी जा सकते हैं आप मंदिर में दर्शन लेने के लिए, हम तो राइडिंग गेयर्स में तो जा नहीं सकते, इसके लिए यहाँ से ही देवी माँ को प्रणाम, यहाँ से आशीर्वाद लेंगे माता का, और सफ़र आगे केदारनाथ की तरफ। तो भैया यहाँ पे लग गया है जाम, ये तो होना ही था, कहीं ना कहीं तो पहाड़ों में जाम तो मिलता है, और जाम लग जाए तो ब्रेड लेके आओ, जाम लगाओ और खा लो। वो देखो उधर वो ट्रक खड़ा है, और सामने से बड़ा ट्रक आ गया, तो फिर तो ट्रैफिक तो होना ही है। यहाँ पे भैया है थोड़ा ऑफ रोडिंग, थोड़ा तो ऑफरोडिंग चाहिए ना पहाड़ों में, बढ़िया था। थोड़े ब्लॉग स्टार्ट करने के पहले बार बार सब ठीक करने पड़ते हैं, थके हुए नहीं लगने चाहिए ना। तो 15 मिनट का ब्रेक है, खाना खाने के लिए रुके हैं, भूख लगी थी, धूप भी काफ़ी तेज़ है ना, तो बीच में रुक के जा रहे हैं, खाई नहीं है आज, सब कुछ आराम आराम से करना है। और खाने में मंगाए राजमा और चावल, इसको तो भूख चालू ही हो गया ये। तो राजमा और चावल खाने के बाद वो क्या है, राजमा खाने से प्रोटीन इंटेक मिलता है ना, इसके लिए हमने सोचा राजमा और चावल खाते हैं, फटाफट निकल रहे हैं, क्योंकि प्लान में ना हम लोग काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं हमारे रुकने के हिसाब से, वो सारे चेंजेस आप लोगों को बताऊँगा, बट अभी क्या है फिलहाल है ना पल पल का हिसाब रखना पड़ रहा है, क्योंकि गर्दी बहुत है, और अपने को प्रॉपर स्टे भी देखना है, उसके बाद दर्शन के लिए आगे ट्रैक भी करना है 22 किलोमीटर का। तो फटाफट अभी प्लान के हिसाब से
जल्द से जल्द सोनप्रयाग के नजदीक कहीं पे स्टे देख लेते हैं और फिर आप लोगों को पूरी स्टोरी बताऊंगा कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे प्लान किया और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए हम लोग चल रहे हैं रुद्रप्रयाग से आगे टूवर्ड्स गुप्तकाशी, गुप्तकाशी के आगे सोनप्रयाग, सोनप्रयाग के आगे गौरीकुंड, गौरीकुंड के आगे केदारनाथ। भाई पेट्रोल भरा लेते हैं, मतलब टेंशन नहीं रहेगा। अभिषेक बहुत अवॉइड कर रहा था पेट्रोल भराने के लिए, मैं बोला भाई पेट्रोल भरा लेते हैं, टैंक फुल कर देते हैं, हाफ टैंक है, मतलब क्या है नीचे उतरने तक पहाड़ों से ना टेंशन नहीं है। और यहाँ पे पेट्रोल है 96.12, सस्ता है मुंबई से। जैसे पहाड़ों की चढ़ाई ऊपर ऊपर हो रही है ना, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इतना पानी पी रहा हूँ तभी भी मेरा हल्का हल्का सर अभी दर्द करने लग गया है, क्योंकि क्या ऑक्सीजन कम होते जाता है। तो पानी पीते रहेंगे ना तो अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे और ऑक्सीजन में मिलते रहता है। रास्ता देखिए, सिर्फ भोलेनाथ के स्वर्ग द्वार जा रहा है, पूरे सांप के जैसा रास्ता है ऐसा। तो जब आप ये पूरे रास्ते से जाते रहते हैं ना, काफी जगह पे आपको भंडारा मिलेगा। तो बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं जो लोग भी ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत जगह पे आपको भंडारा मिलेगा, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसका आनंद और स्वाद ले सकते हैं। तो सीतापुर के पहले 18 किलोमीटर पहले होम स्टे में चेक इन कर लिया है, क्योंकि माहौल भी ख़राब हो रहा था, बारिश भी शुरू हुई थी। और अपना भाई अभिषेक, उसके पास तो लगेज रेनप्रूफ है नहीं, खुद का तो है नहीं लेकिन लगेज का रेनप्रूफ भी नहीं है। हम लोग सोचे अननेसेसरी आगे जाने से मतलब नहीं है, इधर रुक जाते हैं। यहाँ से गौरीकुंड है ना, तो अभी सीन कैसे, हम लोग सीधा एक बाइक लेके गौरीकुंड तक जा सकते हैं, बाइक गौरीकुंड तक अलाउड है। तो अभी हम लोग अभिषेक का बाइक लेके सीधा रात को कितने बजे, साढ़े तीन बजे निकलने वाले सीधा गौरीकुंड के लिए। तो ये रूम मिला है हम लोग को, बहुत ही सेटिस्फाइड है हम लोग रूम से, क्योंकि यहाँ पे है ना रहने की बहुत मारामारी, इतनी भीड़ है, तो वो हिसाब से हम लोग को काफी अच्छा रूम मिला है। और ये जो रूम हम लोग ने लिया है ना, उसका मात्र हम लोग ने 1500 रुपया दिया है, तो हम लोग बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि हम लोग को लग रहा था 3,000 से 4,000 के नीचे स्टे का होने वाला नहीं है, लेकिन 1500 रुपये में हो गया तो काफ़ी बढ़िया हो गया। तो थोड़ा सीन आपको बता देता हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, ताकि आप लोग अगर केदारनाथ ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि कैसे करना है। तो जब आप ऋषिकेश से निकलोगे ना, तो आप गुप्त काशी से लेके सोनप्रयाग तक कहीं पे भी रुक सकते हो। हम लोग जहाँ रुके वो जगह का नाम फाटा है, लेकिन गुप्त काशी, फाटा ये सब जगह पे ना आपको रूम थोड़े सस्ते मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा दूर है सोनप्रयाग से। जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, रूम्स महंगे होते जाएंगे, स्टेज महंगे होते जाएंगे। तो अभी आपके ऊपर है कि आपको कहाँ रहना है, बाकी माहौल तो सब जगह पे बहुत बढ़िया है, सारे होम स्टेज है ना ऐसे वैली व्यू वाले मैक्सिमम, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो वो टेंशन नहीं है। तो अभी थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, सारे गैजेट्स हमारे है, मोबाइल फोन्स, गोप्रो वोप्रो सबको चार्ज करेंगे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद हम लोगों को पता नहीं है चार्जिंग सिस्टम कैसे रहेगा। पावर बैंक्स कैरी कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सामान जो ज़रूरी सामान है ऊपर जाने के लिए वो रेडी करेंगे, और सुबह 3 बजे बाकी सब सामान यहाँ पे रख के हम लोग की यात्रा जो है केदारनाथ के लिए शुरू करेंगे। यहाँ से गौरीकुंड तक बाइक से जाएंगे और फिर ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। तो अपने गजेंद्र भैया गज्जू तेरा नाम अच्छे गज्जू, गजेंद्र नहीं गज्जू, तो मस्त में अपने लिए कांदा पोहा लेके आया, गर्मा गर्म, बारिश गिर रही है, अभी चाय भी पिलाएगा भाई, चाय पिलाएगा ना गर्मा गर्म, मस्त दो चाय, ठीक है। अच्छा तेरा नाम क्या है, गज्जू भाई। तो गज्जू भैया अपने लेके आया गर्मा गर्म पोहा, चाय और ये नज़ारे के सामने, और वहाँ आप देखेंगे ना तो वो देखिए, वहाँ पे नदी बह रही है और पूरा धुआं निकल रहा है, क्योंकि माहौल बहुत ही ठंडा होते रहता है। A few hours later. तो मस्त में घर पे बना हुआ पत्ता गोभी का सब्जी, रोटी, दाल और चावल आ गए जी।
भाई अपना पूरी तरह तैयार है जी खाने के लिए। तो अभी का सीन ऐसे कि खाना खा लेंगे और एक आध घंटे में ना सो जाएंगे, क्योंकि आज रात को 2 से 3 बजे के बीच में हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाइक पे। कहाँ निकलेंगे भाई? गौरीकुंड। गौरीकुंड निकलेंगे और वहाँ से अपना ट्रैक शुरू होगा। तो रेस्ट होना भी काफ़ी ज़रूरी है। माहौल भी काफ़ी ठंडा हो गया, बारिश तो अभी हो रही नहीं है, बारिश कम्प्लीटली रुक गई है। हम लोग सोने के पहले ही रुक गई थी, 3-4 घंटा भी बारिश हो रही नहीं है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो खाना खा के सो जाएंगे और फिर जो चीज़ के लिए आए हैं, केदारनाथ यात्रा, भोलेनाथ का दर्शन लेने के लिए, वो यात्रा शुरू करेंगे, वो ट्रैक शुरू करेंगे हम लोग, जो कि है 22 किलोमीटर का गौरीकुंड से। तो ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी अगला व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नज़ारे, पहाड़, बर्फ सब कुछ दिखने वाला है और भोलेनाथ के दर्शन लेने वाले हैं हम लोग ऊपर जाने के बाद। तो ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ गया रहेगा तो प्लीज़ इधर लाइक बटन, जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। विद दिस, बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, लव लाइफ, लव यू गाइस, बाय बाय। जल्दी 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 खा लेते, बाय बाय।